मैं ये पूछना चाहनी हूँ इन्हों अपने एम सी एन भी अपने मेयर साहब को भी कहना चाहनी हाँ एक कहो जे एम सी तुम गधे खिलाड़े दे अगे जेने पैसे नहीं सोच सोचते कम्बा का सोच सोचते समस्या ही होंगी ना साढ़े गटर टुट गए जी साड़ी बत्ती खराब हो गई साड़िया नालियाँ टुट गई साढ़े पानी नहीं आने का यही समस्या ना गरीबा की और गरीबा ने इन्हों को लोन थोड़ी लेने कर्मचारी भेजता कर्मचारियों ने इतने दसो पहले की करना ये काम तो एमसीआ का ना ये एमसीआ का फर्ज बनता इतने सफाई करा के इतने ढक्कन लाइए तो कुड़ी डिग पी है रात बंदा एक मोटरसाइकिल लग गया भी डिग पिया भी सट्टा लग जे काम करना बंदे पुत्रा को गटर बनना चाहिए पठानकोट के वार्ड नंबर 26 में पिछले लंबे समय तो सीवरेज के टक्कन टुटे होने कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पै रहा है। इस संबंधी पिछले दिन मोहल्ला निवासियों वालों 7C न्यूज़ के माध्यम राही प्रशासन अगे सीवरेज के इन टक्कनों ठीक कराने की अपील भी की गई सी पर अजे तक प्रशासन वालों कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई जिस दे रोष के चलदिया अज एक बार फिर मोहल्ला निवासियों ने राजनीतिक नुमाइंदियों अते नगर निगम के अधिकारियों नूं चेतावनी दी है। मोहल्ला निवासियों ने दस्सिया कि पिछले लंबे समय तो सीवरेज के टक्कन टुटे होने कारण बच्चे बुजुर्ग दुर्घटनावां का शिकार हो रहे हैं। इस समस्या बाबत कई बार वार्ड के पार्षद नूं भी दस्सिया गया पर फिर भी इस समस्या हल करवाउण की कोशिश तक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वोटों के समय राजनीतिक नुमाइंदे बार बार उन्होंने घर तक पहुँच के हाथ जोड़ के वोटा मांगते हैं पर जो आम लोगों की समस्यावान हल करवा समा आता है तो यह नुमाइंदे अपने घरों नहीं निकलते। उन्होंने कहा कि जेकर एक हफ्ते तक समस्या का हल नहीं होया तो वह वार्ड पार्षद के नगर निगम के खिलाफ तिखा संघर्ष करेंगे। देखो जी अज कोई 10-15 दिन हो गया ही पहले भी यह खबर लाई थी ठीक है हूँ वो कर्मचारी भेजता है कर्मचारियों ने इतने दसो पहले की करना यह काम तो एमसीआ का ना ये एमसीआ का फर्ज बनता इतने सफाई करा के इतने ढक्कन लाइए परसों चौथे ने कुड़ी डिग पी है रात बंदा एक मोटरसाइकिल लग गया वो भी डिग पिया उन्हें भी सट्टा लगियां इन्हों शर्म क्यों नहीं आती है कि इन्हें बिना बिना चार गल्ला सुनाए उन्हें पता नहीं लगता है कि कुछ करना भी है अगर नहीं करना जल्द इलेक्शन आ जाते इतने बाहर का बंदा कोई नहीं खड़ा होना चाहिए मैं ही करा जो करना ऊ तू क्यों नहीं कुछ करने का आगे इतने तेरा फर्ज बनता तू एमसी है मौके का इतने आके इतने ढक्कन लवा सफाई कर ये फर्ज तो एमसी का ही है ना सारा मुहल्ला इकट्ठा हो गया परेशान हो सवेरे रोटी नहीं इन्हों को खाई जी बच्चों डकते उधर फट फट के लेंदे उधर फट फट कल दिन झंडी ला दी लाल झंडी ने इतने की करना जे रात कोई धक्के खाता बच्चे डिग पे गए झंडी ने की करना इतने मैं ये पूछना चाहनी हूँ इन्हों अपने एमसीआ भी अपने मेयर साहब को भी कहना चाहनी हाँ एक कहो जे एमसी तुम गधे खिलाड़े दे अगे जेडे पैसे नहीं सोच सोचते कम्बा का सोच नहीं सोचते पर गरीब बंदे दी समस्या पूछिए जाके की समस्या हैगी तुहाडी गरीबा ने तो समस्या ही होंगी ना साडे गटर टुट गए जी साडी बत्ती खराब हो गई साडीयां नालियां टुट गई साढ़े पानी नहीं आने का यही समस्या ना गरीबा की और गरीबा ने इन्हें को नोट थोड़ी लेने हैं है? मैं यही कहना चाहनी हाँ इतने 6-7 दिन के अंदर अंदर पहली गल है भावें अज ही आए यह गटर बनना चाहिए नहीं तो मैं हो हाल करांगी ना कोई भी एमसी होएगा मैं अपनी गली च नहीं बन देना इधर इन्हें लिखाया मेरा वोट मेरा परिवार तेरा परिवार कितने चल गया है उस टाइम परिवार यदा लभदा जल्द लोगों के घर घर बन के आखता वो बाहर के बंदे वोट ना पायो मैनू पायो तू चल तेनू पा देते बेवकूफ बन के अं वोट तू हूँ क्यों नहीं सुधार कर देता महल का फर्ज तो यदा बनता ना सुधार करना महल का और बाहर के बंद ने थोड़ी आना मेरी गल ला लो जी 3 महीने मेरी ट्यूब खराब रही है विश्व एमसी है जरा बेचारा हूँ बनेता भी नहीं है इको ही फोन किया अगला ट्यूब ला के गया मेरी है जगेश ठाकुर हूने फोन करिए हूने ढक्कन लवा के जाता क्यों ओदी वार्ड पहली वार्ड ओदी ही ना बेचारे ने वोट भी नहीं कहीं ने पाया धोखाबाजी ओदे नाल इन्नी लोगों ने की कोई हिसाब नहीं इन्हें घर घर जाके करवाई है चलो जित गया कोई भी जित गया सानू कोई गिला नहीं पर तू काम तो करवा के जेड़ा तेरा फर्ज बनता है जल्द इन्होंने पुछो कहते साढ़े कोल पैसे है नहीं कितने गए पैसे जी सरकार पैसे भेजने वो कितने जान देने लोगों की जेबा ही थोड़ी पैसे पाने चाहिए अं तेरे को उधारे मंगन जान देते हैं
इन्हां दी जवान दे विच जिद्दां रही है, बस ओहदा काम नहीं कराना, ओहदे बूहे अगे कटना, ओह आके सानूं कहे ते असीं काम करवाना, ओह नहीं जांदे, उहनां नूं नहीं टाइम लगदा, असीं ते बोलण देंदे ना, असीं बेवकूफ नहीं भौंकण देंदे अगे मीडिया दे खलोके। इहनूं कह गल करनी मेरे नाल आके कर, जे काम करना बंदे दे पुत्तरां कोल गटर बनना चाहिदा इत्थे, नहीं ते गली जाण दी जरूरत ना रखी। इह मेरी गल याद रखी, इह सिद्धेश ठाकर दी चैलेंज है। विजय कुमार गलबात की कोई सुनाई नहीं। रोज रोज कोई ना कोई केस हों, झंडी ला के झंडिया ला के रखी दी इतने लाल भुके, कोई बच्चा बच्चा ना डिगे, कोई सियाना डिगे, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। एमसी ਨੂੰ ਗਿਆ, एमसी ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸਭ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਸ ਅੱਜ ਭੇਜਣਾ, ਕੱਲ ਭੇਜਣਾ, ਬੰਦੇ ਭੇਜਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਤੋਂ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਇਹ ਕੋ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 7C ਨਿਊਜ਼।